पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि मैं आपके रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ। रिवीजन वीडियो में मैं आपको डेली 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाती हूँ जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में आज ही रिवीजन वीडियो के तौर पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। इसे आप रिवीज़न के तौर पर लीजिए। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल थिंकर्स एंड पॉलिटिकल थॉट्स। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं जो इसमें न्यू सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल के द्वारा आगामी नेट परीक्षा और PGT की तैयारी के लिए आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है, कन्फ्यूशियस ने विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बल दिया, यह सही नहीं है कथन। दूसरा क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को क्या संदेश दिया? तो कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को संदेश दिया था सत्य, प्रेम और न्याय का। तीसरा क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक नहीं वरन एक क्या थे? सुधारक थे। कन्फ्यूशियस किस तत्व पर अधिक बल देते थे? तो कन्फ्यूशियस सदाचार पर अधिक बल देते थे। पांचवा क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के समाज सुधार उपदेशों का चीनी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो चीनी समाज में स्थिरता आ गई थी। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों का चीनी समाज पर यह प्रभाव पड़ा था कि इससे चीनी समाज में स्थिरता आ गई थी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे रिविज़न के रूप में लीजिए और इसे रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू राज्य का इतिवृत्त किसे कहा जाता है? तो स्प्रिंग एंड ऑटम यानी वसंत और पतझड़ को लू राज्य का इतिवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक सही अर्थों में शासक और मंत्री सही अर्थों में मंत्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का नामों में सुधार से क्या आशय है? तो इसका आशय है, जो जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो वह उसके कर्तव्यों का पालन करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस किस प्रकार की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता था? तो कन्फ्यूशियस उदाहरण और आदर्श की शक्ति में पूर्ण विश्वास करते थे। इसका वीडियो लेक्चर भी है चैनल पे, तो आप कन्फ्यूशियस के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और उससे आपको अधिक इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस के दार्शनिक सामाजिक तथा राजनीति विचारों पर आधारित कन्फ्यूशियसवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुंग फुत्सीवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस ने ईश्वर की अवज्ञा किसे कहा गया? तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य न करने को कन्फ्यूशियस ने ईश्वर की अवज्ञा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि बुराई को देखना सुनना ही बुराई की शुरुआत है? तो यह कथन था कन्फ्यूशियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि जो आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए? तो यह कथन भी था कन्फ्यूशियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस के अनुसार सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण है? तो बुद्धि, करुणा और साहस यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बुद्धि, करुणा और साहस कन्फ्यूशियस के अनुसार सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये क्वेश्चन आंसर सीरीज MCQ सीरीज पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि एक से अधिक एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए? तो ये कथन था कन्फ्यूशियस का यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसे माध्यम बनाया? तो पात्रों के संवादों को माध्यम बनाया था प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने राज्य के तीन वर्ग कौन कौन से बताए? तो ये तीन वर्ग थे दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो न्याय सिद्धांत के किस रूप को स्वीकार करता है? तो प्लेटो न्याय सिद्धांत के नैतिक रूप को स्वीकार करता है यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का आधार कौन सा है? तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप तथा कार्य का स्पष्टीकरण विशिष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है, यानी प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत पर कर्तव्यों के प्रतिपादन पर बल दिया है और यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, यानी अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों को करना ही सच्चा न्याय है।
यह शिक्षण प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए किन दो आधारों पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी शिक्षा व साम्यवाद के सिद्धांत पर बल देता है न्याय की स्थापना के लिए। यह शिक्षण प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा ग्रंथ किस विद्वान ने कहा? तो यह विद्वान थे अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थिरता के लिए क्या आवश्यक बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी नायकों को का श्रेष्ठ चरित्र को इन्होंने प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक बताया है। क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी प्लेटो व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण शिक्षा मानता है, ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता नहीं है। यह शिक्षा प्लेटो का कौन सा कथन आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है? तो शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। यह शिक्षा प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किस आधार पर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी संपत्ति व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का कौन सा समर्थित आधार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का, यानी संपत्ति व्यक्ति को विवेकी व साहसी बनाती है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का कौन सा समर्थित आधार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी संपत्ति व्यक्ति को विवेकी व साहसी बनाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो परिवार के साम्यवाद की आवश्यकता पर किस आधार पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यानी परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी स्त्रियों को प्रशासन की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। इस आधार पर प्लेटो ने इसकी परिवार विषयक साम्यवाद को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या समानता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी दोनों समाज और राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए किस तत्व की उपेक्षा की है? तो प्लेटो ने व्यावहारिकतावाद की अवहेलना की है आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो राज्य और व्यक्ति में कैसा संबंध मानता है? तो जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये तत्व हैं आर्थिक तत्व, सैनिक वर्ग और दार्शनिक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्यायमुक्त आदर्श राज्य में शासन की बागडोर किस वर्ग को सौंपी है? तो यह सौंपी थी उसने, प्लेटो ने आदर्श राज की बागडोर दार्शनिक वर्ग को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के दार्शनिक शासन संबंधी विचारों का दोष नहीं है? नंबर सी सही आंसर है, यानी प्लेटो ज्ञान की अपेक्षा विधि को महत्व देता है, यह उसके शासक संबंधी विचारों का दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो व्यक्ति की तुलना में राज पर बल देते हुए किस सिद्धांत पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी साम्यवादी सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटोवाद और फासीवाद में अंतर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी प्लेटोवाद नैतिकता पर आधारित है तो फासीवाद नैतिकता विरोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाज में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो राष्ट्र राज्य का सिद्धांत प्लेटो द्वारा लाज में प्रतिपादित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो साधारण सभा में कितने सदस्यों को रखने पर बल देते हैं? तो 5040 सदस्यों को रखने पर बल देते हैं साधारण सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है? तो प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है, यानी प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत इस कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा विचार प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो ये विचारक थे कार्ल पॉपर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की? तो प्लेटो ने अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य किस विद्वान ने किया था? तो इस कार्य का श्रेय जाता है अरस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इस उक्ति की औपचारिक अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई? तो इसकी अभिव्यक्ति की गई थी अरस्तु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने सरकार के किन अंगों का निरूपण किया है? तो अरस्तु ने नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक अंगों का वर्णन किया है सरकार के। तो सरकार के तीन अंग हैं नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु किस प्रकार के शासन में विश्वास करता है? तो अरस्तु विधि के शासन में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहे जाने का कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कानून और सर्वोच्चता में विश्वास, कानून की सर्वोच्चता में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने राज्य को कैसा समुदाय स्वीकार किया है? तो अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय स्वीकार किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है? तो यह कथन था अरस्तु का, यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, यह कथन था अरस्तु का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
शिक्षण अस्तु ने राज्य का उद्देश्य क्या बताया है? तो सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना यह राज्य का उद्देश्य है। अरस्तु के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण अस्तु ने राज्य के स्वरूप की किस धारणा को माना है? तो अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण किसका कथन है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी अस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। शिक्षण अस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य क्या है? तो अपने नागरिकों का नैतिक कल्याण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण अस्तु ने श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु किसे माना है? तो अस्तु ने श्रेष्ठ राज्य में कानून को संप्रभु माना है, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण अस्तु नागरिकता के निर्धारण में किसे महत्व प्रदान करता है? तो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व प्रदान करता है नागरिकता के निर्धारण में, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण अस्तु के पूर्ण न्याय की धारणा में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों में गुणों का पालन। शिक्षण अस्तु के वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार क्या है? तो योग्यता और ज्यामितीय अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अस्तु के वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार शिक्षण अस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो अस्तु ने संख्या तथा नैतिक आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण अस्तु ने राज्य तथा संविधान या शासन सत्ता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा है? तो यह क्रांति कहा है, यानी अस्तु ने राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाले परिवर्तन को क्रांति कहा है। शिक्षण कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण कौन सा नहीं है? तो लोगों का अपने को शासक वर्ग से श्रेष्ठ समझना। शिक्षण किसका कथन है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता? तो यह कथन था अस्तु का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ये अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो भी पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स के किस भाग में अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है? तो पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में ऐसा विचार प्रस्तुत किया था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचारों में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी दासों को न्यूनतम स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना किस आधार पर की जा सकती है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी ऑप्शन सही है। दास प्रथा अप्राकृतिक है या जातीय अहंकार पर आधारित है और मानव समूह का विभाजन अवैज्ञानिक है, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज में किस प्रकार के शासन के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी गणतंत्रीय शासन के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली के मानव स्वभाव के विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो मानव अपनी प्रकृति से दयालु होता है, यह कथन सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। शिष्य, मैकियावेली किस जीवन को वास्तविक मानता है? तो मैकियावेली प्राकृतिक जीवन को वास्तविक मानता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। शिष्य, मैकियावेली ने राजनीति का पृथक्करण किससे किया? तो धर्म और नैतिकता से मैकियावेली ने राजनीति का पृथक्करण किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 69 का। शिष्य, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? तो डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी। शिष्य, मैकियावेली ने राज्य की प्रकृति के संबंध में कौन सा विचार नहीं दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य की प्रकृति नैतिकता पर आधारित है। शिष्य, मैकियावेली के संप्रभुता संबंधी चिंतन में किन तत्वों की झलक दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी अविभाज्यता और निरंकुशता की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ग्रंथ प्रिंस में मैकियावेली ने किस शासन का समर्थन किया है? तो अपने ग्रंथ प्रिंस में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने राज्य एवं समाज के जीवन में किस विधि को अत्यधिक बड़ी मात्रा में स्वीकार किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी नागरिक विधि को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी मैकियावेली ने विधि का स्रोत विधि निर्माता इकाई को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु के अनुसार विधि की आवश्यकता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी व्यक्ति को साहसी निर्भीक व कर्मशील बनाया जा सकता है, यह अरस्तु के अनुसार विधि की आवश्यकता के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली ने किस प्रकार के शासन के गठन पर बल दिया है? किस प्रकार की सेना के गठन पर बल दिया है? तो उन्होंने राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल दिया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली युद्ध को राज्य का अनिवार्य अंग मानता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली अपने राज्य की जनसंख्या विधि का समर्थन जिससे राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हो, यानी राज्य की संख्या जनसंख्या में वृद्धि का समर्थन यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीति विचार किसने कहा? तो ऐसा कथन था मैक्सिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली के चिंतन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी धर्म व नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस के विचारों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, यानी भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और यह मुख्यतः सदाचार और दर्शन की बात करते थे। कन्फ्यूशियस के संबंध में ये पहले और दूसरे कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82 का।
वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। सुबेलित करने वाला ये क्वेश्चन है, यानी पहला जो है क्रांति, शिक्षा, दास्ता और नागरिकता। तो ए का जो सही आंसर है, ए का सही मिलान होगा 4 से, शासन और संविधान में परिवर्तन। शिक्षा का मिलान होगा 3 से, कानून से परिचित होना। दास्ता का मिलान होगा 2 से, प्राकृतिक अनिवार्य व लाभदायक व्यवस्था। और नागरिकता का मिलान होगा राजनीतिक कार्यों का संपादन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 है, न्याय, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो कूट ए सही है, यानी 1, 2 और 4 कथन सही है। प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत समष्टिवादी है। ये 1, 2 और 4 कथन सही है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 84। तो आप लोग ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और इन क्वेश्चन इसे आप दोहरा के देख लीजिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है, प्लेटो किस आधार पर संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करता है? तो ये आधार थे, संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रकृति को बढ़ावा देती है, संपत्ति व्यक्ति के विवेक व साहस को कुंठित करती है और संपत्ति व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ये भी सुमेलित करना है पुस्तक को उसके राइटर से। तो क्रीटो प्लेटो की कृति है, कैटागरीज जो है वो अरस्तु की कृति है, ए आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की कृति है और स्प्रिंग एंड ऑटम ये कन्फ्यूशियस की कृति है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से देखिए। एक बार देखने के बाद इनका रिवीजन जरूर से करिएगा ताकि ये आपको ये क्वेश्चन वीडियो को देखने के साथ ही याद हो जाए। एक बार देखने के बाद इस वीडियो को रिवाइज जरूर से करिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ओके, ये रिवीजन वीडियो है, इसे रिवीजन के तौर पे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के ग्रंथ लॉज में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है। तो ये चारों सिद्धांत प्लेटो के लॉज में प्रतिपादित है, यानी आत्मसंयम का सिद्धांत, कानून विषयक सिद्धांत, राज्य का भूभाग और जनसंख्या और इतिहास की शिक्षाएँ, ये चारों कथन संबंधित हैं, सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तु को किस कारण से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अस्तु के ये 3 कारण थे। ऑप्शन नंबर बी, राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र विषय रूप प्रदान करना, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण और सरकार के अंगों का निरूपण, इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में क्या सही है? तो ये 3 विचार सही हैं, राज्य व्यक्ति, चारों विचार सही हैं, यानी राज्य व्यक्ति की प्रकृति का परिणाम है, राज्य स्वाभाविक समुदाय है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तु के आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है? तो आदर्श राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, सर्वोच्च हित साधन, व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता विधि की सर्वोच्चता है, इसका समर्थन करते हुए उसने विचार दिए कि ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्ति के शासन की तुलना विधि का शासन श्रेष्ठ है, ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम संप्रभु होने चाहिए और रीति रिवाज विधि विवेक और नैतिकता के पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो ये आधार थे पहले और तीसरे, यानी संख्या का आधार, और तीसरा ऑप्शन यानी नैतिक आधार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, संख्या का आधार और नैतिक आधार, अस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण इस आधार पर किया है, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर अस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के आगामी परीक्षा के हिसाब से की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो PGT का एग्जाम है चाहे नेट का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये चारों विचार नैतिकता से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, यानी धर्म आधारित नैतिकता का विरोध, नैतिकता का आधार राज्य हित, शासितों की नैतिकता और नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली ने शासन के कौन से शुद्ध रूप बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के विधि एवं विधि निर्माता संबंधी विचारों की विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1, 2 और 3। उनके विचार मानव प्रकृति की धारणा पर आधारित हैं, विधि की शक्ति द्वारा ही व्यक्ति को नैतिक एवं सदाचारी बनाया जा सकता है, मनुष्य एक परोपकारी एवं दयालु व्यक्ति है जिसे विधि जैसी बाध्यकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। ये सभी क्वेश्चन आप लोग दोहरा के देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे दूसरी बार, तो ये आपको टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। दूसरी बार रिवाइज जो से करिएगा, एक बार वीडियो को देखने के बाद, एक बार वीडियो देखिए और दूसरी बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, तो वीडियो देखने के साथ ही आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर करने से ये अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है सुमेलित करने का ही। तो पहला जो ए है,
न्याय का जो सिद्धांत है वो संबंधित है व्यक्ति की एवं वर्गों द्वारा स्वभावानुकाल कर्तव्यों का पालन। शिक्षा जो है आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन है। साम्यवाद जो है वो संपत्ति एवं परिवार के अभिभावक वर्ग को वंचित करना अभिभावक वर्ग, और जो डी वाला है अभिभावक वर्ग सैनिक व दार्शनिक वर्ग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना, इसे भी नास्ता सिद्धांत जो है उसका वर्णन किया गया पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में। नागरिकता सिद्धांत का वर्णन किया है पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में। क्रांति सिद्धांत का वर्णन किया गया पॉलिटिक्स की पांचवी पुस्तक में। आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का। 1, 2, 3, 4 यह क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में क्या सही है। तो 1, 3 और 4 सही है कथन ए, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है। वे एक समाज सुधारक थे, वे उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया और बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने का, ये बुक है और उसके विचार है तो मीटरोलॉजी जो संबंधित है वो संबंधित है भौतिक विज्ञान से, द टॉपिक्स संबंधित है तर्कशास्त्र व दर्शन से, रिहेटोरिक संबंधित है साहित्य से, और द कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है राजनीति से, यानी ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे जो से बताइएगा आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कैसे लग रही है और क्या आपसे इसका रिवीजन हो रहा है, आप लोग इसका रिवीजन कर पा रहे हैं इस तरह से, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 100, क्योंकि मैं 100 क्वेश्चन का ही रिवीजन आपको करवा रही हूँ एक एक वीडियो के अंतर्गत, ताकि आपके एक दिन में 100 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है सुमेलित करना इसे भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक जो था वो थे प्लेटो। उदाहरण आदर्श की राजनीतिक सिद्धांत के जनक थे प्लेटो। उदाहरण आदर्श की शक्ति के जनक थे कन्फ्यूसियस। राजनीति विज्ञान के जनक थे अरस्तू। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक थे मैकियावेली। डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आ रही है, 100 क्वेश्चन का रिवीजन सीरीज पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बार इस वीडियो को देखिए और दूसरी बार इस वीडियो का रिवीजन करेंगे तो आपको वीडियो देखते ही देखते आपको ये 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए, आप लोग वीडियो से लाभान्वित हो, तो इसलिए इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए।